प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अवसर और ये सौभाग्यशाली क्षण हम सबके लिए होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अवसर सभी विधायकों को मिल रहा है और राष्ट्रपति का चयन 17 तारीख को मतदान है, 30 तारीख को गिनती होगी, 25 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो पहली बार ये अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि हमारा प्रत्याशी विशुद्ध रूप से जो एक छोटा सा प्राथमिक सदस्य बन के काम शुरू किया आज शीर्ष पद में जा रहा है, ये अपने आप में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक होगा कि रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे 20 तारीख को और 25 को शपथ ग्रहण करेंगे। मैं अपनी ओर से, मेरे विधायक दल के सभी साथियों की ओर से, छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों की ओर से अभी से उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि बेहतर तरीके से राष्ट्रपति के उस सर्वोच्च पद में आसीन होंगे। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां तक सवाल है मतदान का, तो अधिकांश विधायकों ने मतदान कर लिया, हमारे तो सभी विधायकों ने वोट डाल दिया और शुरुआत से ही सारे MLA पहुंच गए थे, 100% मतदान हुआ है। संख्या बोलते कितना ज़्यादा? उम्मीद करते हैं कि चूँकि मन की बात और मन के आवाज़ को सुनकर कुछ लोगों ने निश्चित रूप से वोट मिलेगा, कितना मिल सकता है उसमें ये तो गिनती के समय मालूम होगा, पर काफ़ी वोट भारतीय जनता पार्टी को हमारे विधायक दल के अतिरिक्त भी मिले।